2016 में जब UPI लॉन्च हुआ तो पेमेंट करने का तरीका बदल दिया गया। अब एक नया प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा आप ऑनलाइन खरीदारी कर पाएंगे, जो एक रेवोल्यूशन के तौर पे देखा जा रहा है, वो प्लेटफॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC। ये प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स की दुनिया में इतना रेवोल्यूशन बताया जा रहा है कि इससे Amazon, Flipkart, Swiggy, Zomato, Ola, Uber जैसी ऐप से आपको छुटकारा मिल सकता है, आपको एक बेहतर ऑल्टरनेटिव मिल सकता है। यानी आप सब कुछ, मतलब एप्पल फोन से लेकर एप्पल्स तक, पास के रेस्टोरेंट से मिलने वाली बिरयानी से लेकर कैब बुक तक करने की सारी फैसिलिटी एक ऐप पर ले सकते हैं और इसे इसका नाम है ONDC। वेब पर इस वक्त आप कई तरह की न्यूज सुन रहे होंगे, ONDC एक्चुअली है क्या, आइए इसे समझते हैं। ONDC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे भारत सरकार ने पिछले साल अप्रैल में लॉन्च किया था। ये कोई सिंगल ऐप नहीं है, जैसे हम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इन सारी एप्स के जरिए UPI यूज करते हैं, उसी तरह ONDC के प्लेटफॉर्म को यूज करके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। यानी ONDC की कई सारी एप्स के साथ पार्टनरशिप है। अब किन किन एप्स के साथ ONDC की पार्टनरशिप है, इस वक्त अगर आप बात करें तो ONDC के पास बहुत ज्यादा पार्टनर्स नहीं है, लेकिन जो उनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से पेटीएम, माई स्टोर, मैजिक पेन, मीशो जैसे कुछ एप्स के साथ टाई अप है ONDC का। ONDC के डिलीवरी पार्टनर्स कौन होंगे, शैडोफैक्स, डंजो, लोडशेयर जैसी एप्स ONDC की डिलीवरी पार्टनर्स हैं। अब इन फूड डिलीवरी एप्स पर सबसे बड़ा असर कैसे पड़ सकता है, क्योंकि इस न्यूज का सीधा बात की जा रही है कि ये एक प्राइस वॉर है फॉर फूड डिलीवरिंग एप्स लाइक Zomato एंड Swiggy। और क्योंकि Zomato लिस्टेड कंपनी है तो Zomato के स्टॉक पर क्या आगे आने वाले समय में इसका प्रेशर पड़ सकता है, पहले आइए इसको समझते हैं। ONDC शुरुआत में ही फूड डिलीवरी एप्स को प्राइसिंग के मामले में कड़ी टक्कर दे रही है। अगले साल अगर हम कई सारे एक्सपीरियंस को यहाँ कोलैबोरेट करें जो हमें वेब पर देखने को मिल रहा है और हमने भी जब ये खुद रिसर्च करी, तो आप ONDC से जब कुछ फूड ऑर्डर करते हैं तो Swiggy और Zomato के कंपैरिजन में काफी सस्ता है। यानी ये कंपैरिजन चार्ट आप देख रहे हैं, Zomato और Swiggy से यही सेम बर्गर जब हमने ऑर्डर किया तो इसका टोटल प्राइस आपको 300 के पास पड़ रहा है, लेकिन यही सेम आइटम यानी यही बर्गर आप ONDC के प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर करें आपको 200 रुपए में मिल जाएगा। सो Zomato के पास अपने खुद के डिलीवरी पार्टनर्स हैं, ONDC अभी फिलहाल ऑर्डर करने के लिए रेस्टोरेंट्स पर निर्भर है। एक्चुअली ये प्राइस कट डाउन कहाँ हो रहा है, ये प्राइस कट डाउन हो रहा है पहली चीज जो बड़ी कंपैरिजन है ONDC और Zomato और Swiggy के बीच। ONDC जो कमीशन ले रहा है, चार्ज कर रहा है रेस्टोरेंट से, वो लगभग 2-4% के बीच है, वेराज Zomato और Swiggy की आप बात करें तो वहां पर 18-24% के बीच की कमीशन रेस्टोरेंट्स को प्लेटफॉर्म को देनी पड़ रही है। तो यहां पहली चीज जहां ONDC अपनी कॉस्ट को सेव कर रहा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी हो सकता है और शायद ये प्रॉब्लम क्रिएटर भी हो सकता है। अब तक जो आप डिलीवरी पार्टनर्स देख रहे हैं, Zomato हो, Swiggy हो, उनके पास इन हाउस टीम्स हैं, लेकिन ONDC इस वक्त डिलीवरीज के लिए रेस्टोरेंट्स पर ही निर्भर है, यानी रेस्टोरेंट्स को ही खुद डिलीवरी अरेंज करनी पड़ेगी। तो ये दो मैटर्स हैं, दो बड़े डिफरेंशिएटर्स हैं जिनके पॉइंट पर इन दो प्लेटफॉर्म्स की कंपैरिजन की जा रही है, या फिर ONDC सस्ता कैसे हो सकता है इसे कंपेयर किया जा रहा है। और ये बड़े रीजंस भी हैं, तो कमिशनिंग वन रीजन है और सेकेंड ही डिलीवरी कॉस्ट जो है वो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स को देनी पड़ रही है और प्लेटफॉर्म को नहीं। ONDC को लेकर अब एक्सपर्ट्स मान क्या रहे हैं, क्या इस प्राइस वॉर के चलते स्टॉक्स लाइक Zomato पर प्रेशर पड़ सकता है, Zomato, Swiggy इनके लिए क्या एक नई प्राइस वॉर शुरू हो सकती है, इस पर भी जब हमने कुछ व्यूज कलेक्ट किए तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे एंड यूजर्स को तो फायदा मिलेगा लेकिन छोटे दुकानदारों को भी इसका फायदा मिलेगा। Amazon हो, Flipkart हो, Swiggy, Zomato, ये सारी एप्स बड़ी कमीशनिंग लेती हैं, बड़े चार्जेस लगाती हैं छोटे वेंडर्स से, उससे छोटे वेंडर्स को कम से कम इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर पाएगा, क्या ये हर जगह पेनिट्रेट कर पाएगा, इसे अभी समझने में समय लगेगा और ये डिबेट अभी लगातार जारी है।